यहाँ पर मैंने जो है एक स्क्वायर पेपर लिया है, यहाँ पर इसके चारों भुजाएं हैं बराबर है, तो जैसे जैसे कि मैं बताता रहूँगा आपको वैसे वैसे इसको जो है फोल्ड करना है और फिर हम जो है एक फ्रॉक बनाएंगे जो उछलता है। सबसे पहले जो है हम इस पेपर को हाफ कर लेंगे, ऐसे एक रेक्टेंगल शेप आ जाएगी इसके अंदर। एक बात का ध्यान रखें कि जब आप इसको फोल्ड करें तो उसकी जो है कोने से कोना मिलना चाहिए, अगर कोने से कोना नहीं मिलेगा तो फिर ये उल्टा बन जाएगा, कुछ से कुछ बन जाएगा। मैंने इसको हाफ कर लिया, अब हमें जो है इसका भी हाफ करना होगा। मैंने इसको हाफ कर लिया, अब जो है मैंने इसको यहाँ से हाफ करना होगा इस तरीके से, फिर इसी पर ऐसे। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसका जो सेंटर है यहाँ से पहले इतना मोड़ लिया हमने और यहाँ से इतना मोड़ कर जो है इसका जो सेंटर आएगा, इसका मैंने सेंटर पकड़ लिया और फिर इसको ऐसे करके ऐसे करके हम इस पर एक ऐसी शेप मिल जाएगी इसको यहाँ से। याद रहे कि इसके आगे का टिप बिल्कुल ऐसे शार्प आनी चाहिए, वरना कि अंदर ही अंदर पेपर मुड़ता रहेगा। देखिए मैंने अंदर के बिल्कुल टिप पे लग गया। इस तरीके से आपको इधर का भी करना होगा सेम, कभी पहले आपको ऐसे मोड़ना होगा उसका, ऐसे करना है, उसके बाद आपको ऐसे करना होगा। इसके यहाँ से ऐसे ऐसे, अब इसका पूरा पूरा हो गया है। यहाँ का सेंटर देख लीजिए, सेंटर बिल्कुल ठीक हुआ है, ऐसे करना। अब हमें जो है इसकी जो दोनों साइड्स को इसके ऊपर वाले सेंटर में इस तरीके से बनाना है ऐसे। ये नीचे थोड़ा स्पेस आएगा तो हमें वो नहीं करना, मुझे फट सकता है, इसको ध्यान से कर लिएगा इस पोर्शन को से ऐसे। अब हमें जो इसको ऐसे करना है, इसको यहाँ पे ऐसे। तरीके का दिखेगा, पीछे इसको करेंगे हम, पीछे एक कुछ इस तरीके का दिखेगा, इसके चार ऐसे दिखेंगे आपको कोने। अब हमें जो है इस फ्रॉक की इस वाली साइड को ऐसे करके इसको फोल्ड करना है ऐसे, बराबर बराबर हो चुका है। और अब हम जो है इसके पीछे की साइड को आगे की तरफ करेंगे, और अब इसके बीच में जो स्पेसेस है तो हम इनके दोनों जो है स्पेसेस को इसके अंदर डालेंगे। ऐसे, और अभी जो है ये मेंढक बना है, लेकिन हम जो है इस मेंढक को उछालेंगे। तो उछालने के लिए हम इसमें क्या करना होगा, उछालने के लिए पहले हम इसको ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद इसको ऐसे करने के बाद फिर ऐसे करेंगे उल्टे तरफ से, और फिर इसको यहाँ से, और फिर इसको यहाँ से ऐसे, इस तरीके से ऐसे। इसका पैर थोड़ा मुड़ गया, मुड़ जाएगा ये, बन चुका है देखिए, आपको देगा तब ये सब हो चुका है ऐसे, देखिए हो चुका है ये देखिए, ये जब तक है और ये आगे के मुंह। इसकी मदद से आप जो है घर पे एक पेपर फ्रॉग रेस भी खेल सकते हैं।
इसको मैं जिस डायरेक्शन के अंदर पोज दूंगा ये उसी डायरेक्शन के अंदर कूदेगा।